हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के 10 टॉप वांछित अपराधियों में शुमार एनडीपीएस प्रकरण का 5,000 रुपए का इनामी राशि का आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के आदेश अनुसार जिले भर में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार एवं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की सुपरविजन में सोजत सीआई रामेश्वरलाल भाटी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 6 साल से फरार चल रहे एनडीपीएस प्रकरण में 5,000 रुपए का इनामी राशि वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीआई रामेश्वरलाल भाटी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के 10 वांछित अपराधियों में शुमार ने एवं एनडीपीएस प्रकरण का 5,000 रुपए का इनामी राशि का आरोपी सुनील बिश्रोही पुत्र गिरधारी राम निवासी खेड़ी दानी आमलियावास थाना डांगियावास को मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी जानकारी जुटाकर दस्तयाब किया गया। भाटी ने बताया कि यह आरोपी 6 साल पुराने प्रकरण में फरार चल रहा था। फरारी के दौरान अवैध दोदा पोस्ट परिवहन का एक और मामला दर्ज हुआ। मुलजिम अवैध दोदा पोस्ट मुख्य तस्कर है। मुलजिम सुनील के खिलाफ पूर्व से पुलिस थाना भीम जिला राजसमंद व पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर कमिश्नरेट में मामला दर्ज है। भाटी ने बताया कि यह आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। जागरूक टीवी के सोजत से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।